एवरीवन, वेलकम टू तरुणास एकेडमी। दिस इज सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास एकेडमी में। चाइना जो है मॉन्स्टर शिप लेके आ गया है और ये मॉन्स्टर शिप यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शिप है, ठीक है। और ये एक कोस्ट गार्ड शिप है, चाइना की कोस्ट गार्ड शिप है। अब चाइना जो है यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है साउथ चाइना सी में, क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, इतनी बड़ी शिप कोस्ट गार्ड शिप कौन बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। बट एक बात बहुत क्लियर है, चाइना जो है वो वॉर की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप चाइना की पॉलिसीज देखेंगे तो सभी, अगर चीजों को आप जोड़ेंगे, सभी एंगल्स को फिट करेंगे, तो एक बात तो बहुत श्योर है, यानी जी जिनपिंग का जो दिमाग है वो घोड़े की तरीके से तेज दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है कि वॉर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे पूरी प्रिपरेशंस जो है आप कह सकते हो एक वेल प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ यहाँ पे चाइना जो है उसको कर रहा है। बट यहाँ पे हम देखेंगे फर्दर कि किस तरीके से जो है यहाँ पे चाइना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो चाइना ने डिप्लॉय कर दी है मॉन्स्टर शिप। अब इस शिप का नाम मॉन्स्टर क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है कि जहां कोस्ट गार्ड शिप जो है उनका मैक्सिमम वेट, यानी कि उनको डिस्प्लेस करने के लिए जो मैक्सिमम वेट चाहिए होता है वो 2000 टन चाहिए होता है, वही चाइना ने इतना बड़ा शिप बना दिया है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसको डिस्प्लेस करने के लिए 12,000 टन जो है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेट चाहिए। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना ने जो है यहां पे किया क्या है। ये देखो इसकी साइज देखो जरा शिप की, ये है चाइना के शिप की साइज जो कि मॉन्स्टर शिप, ठीक है। अभी इसका लॉजिक बताऊंगी क्या है। अब चाइना जो है स्लोली स्लोली वो वॉर की तैयारी कर रहा है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में अगर आपने देखा हो तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कवर किया था कि चाइना जो है, चाइना और फिलीपींस की शिप्स के बीच में लड़ाई होती हुई दिखाई दी साउथ चाइना सी में, यानी आपस में जो है चक्कू से और कुल्हाड़ी से जो है पानी से जो चाइना की शिप थी और फिलीपींस की शिप थी वो आपस में लड़ती हुई दिखाई दी। अब चाइना जो है यहां पे इतनी बड़ी शिप लेके आ गया है कि एक होता है ना दुश्मन को डराने के लिए इतना बड़ा हथियार ले आओ कि वो देख के ही डर जाए, तो ये कुछ ऐसी ही नीति है कि इतनी बड़ी शिप यहां पे खड़ी कर दी है कि किसी की भी हिम्मत ही नहीं होगी कि उस शिप के पास आए। और दूसरा, चाइना की नीतियां ऐसी है, पॉलिसी ऐसी है साउथ चाइना सी और सी को लेकर कि ये जो है अपनी शिप दूसरी कंट्रीज की शिप में बिल्कुल भिड़ा देते हैं। यानी कि अब आप सोचिए इतनी बड़ी शिप अगर दूसरी कंट्रीज की शिप में टक्कर मारेंगी तो उन बेचारी छोटी छोटी शिप्स का क्या होगा। तो यही यानी अपना दबदबा बनाने के लिए साउथ चाइना सी में, क्योंकि अब नॉर्मल बात है अगर एनिमी शिप आएगी तो नॉर्मल छोटी छोटी शिप्स जो है वो ऑफकोर्स साइड हो जाएंगी, वरना अगर एक टक्कर लगी बड़ी शिप की तो वो वैसे भी आपके अंडर द वॉटर ही जानी है, राइट। तो चाइना की जो नीति है वो ये है कि डराओ और राज करो, यानी कि साउथ चाइना सी में एक मॉन्स्टर शिप को बनाने का साफ तौर पे जो लॉजिक है वो यही है कि इतनी बड़ी शिप बनाओ कि बाकी सारी शिप्स जो हैं वो खुद ब खुद रास्ता दे दे, ठीक है। अब यहां पे अगर दूसरी चीज को फॉलो करें तो ये भी है कि जो मिलेनियर्स हैं यानी बहुत पैसे वाले लोग हैं चाइना में, वो चाइना के बाहर जा रहे हैं, यानी चाइना अपना देश छोड़ के जो है किसी और देशों में जा रहे हैं। अब ऐसा काम बिलेनियर्स या मिलेनियर्स तभी करते हैं जब एक तरीके से या तो टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाला होता है या एक तरीके से वॉर की सिचुएशन होती है, तो यहां पे कुछ ऐसी ही स्थिति है। अब चाइना के जो अमीर लोग हैं वो बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक या दो की तादाद में, हजारों की तादाद में जो है। और जैसे जैसे हम 2027 की तरफ आगे बढ़ेंगे, 28 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये जो हजारों में अभी आपको दिख रहे हैं ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे जैसे वॉर की सिचुएशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी 10,000-15,000 के लगभग जो ईयरली बेसिस पे जो बिलेनियर्स मिलेनियर्स हैं वो चाइना से छोड़ रहे हैं। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वॉर होने की यहां पे पूरी पूरी संभावनाएं हैं, टैक्स बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, सैंक्शंस लगने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अगर चाइना गलत नीतियां इस्तेमाल करेगा और वॉर करेगा तो दूसरी कंट्रियां स्वाभाविक बात है सैंक्शंस लगाएंगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अब क्योंकि उनके पास पैसा है तो एक ऑप्शन है कि वो जो है अपनी लाइफ को इजी करने के लिए किसी भी अन्य कंट्री में स्विच जो है वो कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। तो यहां पे ये भी जो है हमें शो करता है कि चाइना एक वॉर लाइक सिचुएशन, एक वॉर लाइक ओवरऑल संगठन की तरफ आगे बढ़ रहा है। देन कॉल्ड मॉन्स्टर शिप, अब ये मैंने आपको बता दिया 12,000 टन को डिप्लेस करना, आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अब कोस्ट गार्ड शिप आमतौर पर इतनी बड़ी होती नहीं है, ठीक है, आमतौर पर इतनी बड़ी होती नहीं। भाई कोस्ट गार्ड शिप का मतलब क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग मतलब कि
भाई देखना कि यहाँ कहीं मिनरल्स तो नहीं है, कोई दुश्मन की शिप आ तो नहीं रही है, या अगर आ रही है तो उनको जो है एक सिग्नल दे दो कि भाई ये हमारा एरिया है, आपकी शिप जो है आप वापस टर्न आउट ले लो। तो कुल मिला के ये पेट्रोलिंग करने, कोस्ट गार्ड शिप का मतलब ही होता है पेट्रोलिंग करने के लिए, राइट। अब भारत जैसा जो शरीफ देश है, बिल्कुल शरीफ है, क्योंकि भारत जो है वो इंटरनेशनल डेक्योरम्स को मेंटेन करता है। जब तक हमारी कंट्री पे कोई भी वॉर ना करे या बदतमीजी ना करे, हम उसको रिटर्न बदतमीजी का जो जवाब है वो नहीं देते हैं, राइट। चाइना की तरफ भी या पाकिस्तान की तरफ भी हमने तब रीबैक फायर किया, तब जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, ओके। सो इंडिया जो है प्रॉपर डेकेरम्स फॉलो करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज के, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के, बट चाइना जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, ये साफ तौर पे बात है। तभी इतनी बड़ी शिप बनाने का यही मतलब है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कोस्ट गार्ड शिप इन्होंने जो है साउथ चाइना सी में साफ तौर पे दबदबा बनाने के लिए बनाई है। और यहां पे एक बात और श्योर है कि चाइना जो है वो छोटी छोटी, जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस जो है अभी आपने देखा डायरेक्ट जो है यहां पे चाइना और फिलीपींस का तकरार हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से दबा के रखना चाहता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हालांकि भारत पे भी आएगा, क्योंकि फिलीपींस के अच्छे संबंध है भारत से, राइट। आगे आने, अब अच्छे संबंध कैसे हैं, क्योंकि फिलीपींस जो है वो आए दिन डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो भारत से लेता रहता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस भारत से ले रहा है, राइट। अब फिलीपींस के पास भी एक आप कह सकते हो कि गोल्ड कॉइन है। कैसे गोल्ड कॉइन है कि फिलीपींस ने जो है पैक्ट, डिफेंस पैक्ट साइन करा है यूएसए के साथ कि अगर फिलीपींस पे डायरेक्टली कोई हमला करेगा तो यूएसए जो है फिलीपींस के साथ आके उस पर्टिकुलर कंट्री पे हमला करेगा। बट एज यू से, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए, इसलिए फिलीपींस भी जो है अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसलिए भारत के साथ भी आप देखोगे अगले आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में फिलीपींस और भारत एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जहां पे भारत जो है एक मेजर डिफेंस पार्टनर बनता दिखेगा फिलीपींस का। वहीं फिलीपींस जो है वो जापान के साथ भी इसी तरीके के कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि फिलीपींस कितना ज्यादा सक्सेसफुल होता है ये करने में। और यहां पे देखिए, ये एक पिक्चर है जो मैं आपके लिए लेके आई हूं, जो कि फिलीपींस की शिप और चाइना की शिप में जब लड़ाई हो रही थी तो इस तरीके से जो है ये एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे, ठीक है। अब ये है फिलीपींस की शिप, नन्ही सी, छोटी सी, मुन्नी सी, और ये है चाइना की शिप, पहाड़ जैसी बड़ी, और अब तो और ज्यादा पहाड़ इन्होंने बना लिया। तो आप ये सोचिए कि इस नन्ही सी शिप का जो है मुकाबला इस पहाड़ जैसी शिप से होना है, और अब चाइना ने और पहाड़ बना लिया, तो स्वाभाविक सी बात है ये शिप जो है वो डर के भाग जानी है। और जहां ये शिप डर के भाग जानी है, वही इसका मतलब है कि उस पूरे एरिया पे जो है इस शिप का कब्जा हो गया, जो कि चाइना की शिप है। यही एग्जैक्टली चाइना करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी शिप बनाने का यही मतलब है। ये देखिए जरा यहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब साउथ चाइना सी में इस रणनीति के साथ घुस गए हैं। बट देखना होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, लाइक फिलीपींस हो गया, अन्य छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वियतनाम वगैरह, वो कैसे इसका जो है रिप्लाई करते हैं। और यहां पे एक बात तो बहुत श्योर है कि मैटर सिर्फ छोटी छोटी कंट्रीज पे ही नहीं रहेगा, भारत का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, यूएसए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट, यानी बड़ी बड़ी कंट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं मदद मांगने के लिए बड़ी कंट्रीज के पास जाएंगी। तो एक आप कह सकते हो एक जियोपॉलिटिकली अगर एक एंगल से देखा जाए तो बहुत कुछ होने वाला है साउथ चाइना सी में। और कह सकते हो कि वॉर की स्थिति जो है यहां पे कंटिन्यूअसली बनती दिखाई दे रही है, जिसका मेन कल्प्रिट जो है वो चाइना है, ठीक है। सो अभी के इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं, और आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चाइना की नीति बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।